तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने छाता विधानसभा क्षेत्र में किया किटों का वितरण। छाता रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए किट बांटने का आयोजन पूरे प्रदेश में करवाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में छाता विधानसभा से कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने छाता तहसील स्थित सभागार में किट वितरित करते हुए बताया कि तीसरी लहर को देश के वैज्ञानिकों ने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बताया है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन को किट वितरण के लिए रखा है, जिसमें तीन प्रकार की किट बांटी गई हैं, 0 से लेकर 1 साल तक के, 1 साल से लेकर 5 साल तक के एवं किटों के साल लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए किटों का वितरण किया गया है। इसमें घर घर जाकर आंगनबाड़ी बहनें प्रधान एवं निगरानी समिति के सदस्य किट उपलब्ध कराएंगे, जिससे इस आने वाली तीसरी लहर का मुकाबला किया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछली 2 लहरों से मुकाबले की तारीफ की जा चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह किट वितरण का आयोजन पूरे प्रदेश में किया है। छाता मथुरा से भगत सिंह चौधरी की खास रिपोर्ट। देखिए, COVID-19 की विश्वव्यापी महामारी हमारे वैज्ञानिक हमारे चिकित्सक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद तीसरी लहर भी आ सकती है। उस तीसरी लहर के मुकाबले के लिए जिस तरह से प्रथम और द्वितीय लहर का मुकाबला आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे कोरोना वॉरियर्स समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने, सामाजिक संगठनों ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया, तीसरी लहर का उसी तरह से पहले से मुकाबला करने के लिए जैसा अनुमान हमारे चिकित्सक और वैज्ञानिक लगा रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, इसके लिए 3 प्रकार की किट बनाई गई है, जो 0 से लेकर 1 साल तक का बच्चा, 1 साल से लेकर 5 साल तक का और 5 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा। ये 3 घर घर में हमारी आंगनबाड़ी बहनें, घर घर में हमारे प्रधानगण जो हमारी निगरानी समिति है, उन समस्त निगरानी समिति के सदस्य घर घर में जाके सभी को समझाएंगे और ये किट उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे यदि दुर्भाग्य से तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करने वाली कोरोना वायरस की आती है तो हम उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कोरोना से को हराने के लिए किए गए प्रबंधों का बड़ी जोर शोर से विश्व स्वास्थ्य संगठन तारीफ कर चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की पूरी दुनिया ने कोरोना की जंग में प्रबंधन की तारीफ की है, इसलिए तीसरी लहर का भी प्रबंध करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमने, हमारी सरकार ने आज का दिन किट वितरण का पूरे उत्तर प्रदेश में रखा है। इसके लिए सभी को किट वितरण की जाए। मतलब कितनी किटें बांटी गई? देखिए, मेरे विधानसभा में 3 विकास खंड हैं, छाता है, चौमा है, नंदगांव है। 3 विकास खंड के हर गांव में इन किटों का वितरण किया जा रहा है। इसी तरह पूरे प्रदेश में प्रत्येक गांव में किट का वितरण किया जा रहा है।